नमस्कार दोस्तों, आज आपको स्लिम फिट शर्ट कटिंग की फुल स्टेप बाय स्टेप फुल जानकारी देंगे। आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, इसको डबल में कपड़ा बिछा लेंगे और ये इसका मेजरमेंट है। नीचे से पहले सीधा मार्जिन करेंगे, उसके बाद 1.25 पर एक मार्जिन लगा देंगे, मार्का लगा देंगे ओपन के लिए। और फिर साइड में पट्टी का जो मार्जिन है उसको 1.5 इंची मार्जिन रखते हुए मार्का लगा लेंगे इस तरह से। पूरे ऊपर तक 1.5 इंची मार्का लगा लेंगे। अब दोस्तों, लंबाई का 0.5 इंची प्लस करके निशान लगा लेंगे, यानी 26 लंबाई है तो 26.5 पर मार्का लगा लेंगे। और सीने का 1/4 करके, 35 सीना है तो 1.25 पर मार्का लगा लेंगे, यानी मार्का को दूसरी जगह भी लगा लेंगे। अब इन मार्काओं को सीधा करेंगे सीधी फंटी से इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, सीने का 1/4 पर एक मार्का लगाएंगे 1.9 इंची। और 1.25 इंची मार्जिन प्लस लूजिंग पर एक मार्का और लगा लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, तीरा है हमारा 16.5 इंची, तो 16.5 का 1/4 और 0.5 इंची मार्जिन के लिए 1.9 पर मार्का लगा लेंगे। अब इसके बाद 1.9 के अंदर सीना पे ऊपर 1.9 है, 1.9 उसके अंदर 1 इंची मार्का लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों के बीच में पेट का निशान लगाएंगे, बीचों बीच लगा लेंगे। 17.5 आया, 1.9 पर लगा लेंगे। अब इसके बाद इस निशान को भी सीधा करेंगे और इसी तरह से कमर पर हिप पर भी निशान लगा लेंगे, 1.5 इंची ऐड करके। और इसके बाद कंधे गिराएंगे, 1.5 इंची कंधे गिरा देंगे। और 2.5 इंची कॉलर के लिए साइड में और 2.5 इंची नीचे की तरफ कॉलर का हाला काटेंगे। और इसको फंटी से इस निशान को मिला देंगे कंधे गिराने वाले को और कॉलर वाले को, चौकोर करके गुलाई निकालेंगे, इसकी गुलाई निकालेंगे। अब दोस्तों, राउंड फंटी से इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे ताकि फिटिंग परफेक्ट आए और सीना और कमर और हिप वाले निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अब आर्म होल में गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। और हमारा कॉलर है 14.5, तो यहाँ पर 14.5 कॉलर लिख लेंगे। तो दोस्तों, फ्रंट के मार्का लग के रेडी हो गए। अब हमारा ओपन करने का निशान और लगाना है, तो हमें मार्जिन सही तो 2 इंची पर
निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको गोलाई देके ओपन कर लेंगे। इस तरह से अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों इसकी कटिंग इस तरह से करने के बाद फिर बैक को फोल्ड करके डबल में बिछाएंगे और फ्रंट को बैक से 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, बैक को 1.5 इंची कम रखेंगे। तो नीचे की गोलाई भी निकाल लेते हैं ओपन वाली। इस तरह से तो अब फ्रंट की कटिंग रेडी हो गई। अब बैक के कपड़े को हमने डबल में फोल्ड कर लिया और जो तीरा का कंधी गिराई थी उसके बराबर बैक के कपड़े को रखेंगे और फ्रंट से बैक के कपड़े को चौड़ाई में 1.5 इंची दोनों ऊपर और नीचे कम रखेंगे। चौड़ाई में ये 1.5 इंची यहाँ पे और 1.5 इंची यहाँ पे। इसके बाद बिछा लेंगे कपड़े को और कंधे के बराबर ऊपर से। अब इस मार्जिन को सीधा करेंगे इस तरह से। अब हमारा तीरा था 16.5 1.75 और 1/2 इंची मार्जिन 1.5 पे मार्कर लगा लेंगे। इस तरह से अब हमारा जो फ्रंट का आर्म होल कटा हुआ है उसके अंदर 1 इंची निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ और जो राउंड वाली फंटी से इसको इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में गोलाई लगा लेंगे इसकी इस तरह से और इसकी इसी के बराबर बराबर पे कटिंग कर देंगे। ऊपर का जो मार्कर सीधा करने के बाद इसके बराबर पर कटिंग करेंगे इस तरह से। तो दोस्तों मोटे लोगों की शर्ट कटिंग की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा। अगर आपको मोटे लोगों की शर्ट कटिंग में कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप हमारे उस वीडियो को देखें और हर तरह के डाउट मैंने क्लियर किए उसमें। ना कहीं झोल आएगी और ना कोई डिफेक्ट आएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा बैक भी कट के रेडी हो गई। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। बाजू को हम डबल में फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हमें 1.5 इंची हमने फ्रंट को आर्म होल काटा था तो इससे भी 1.5 इंची पर मार्कर लगा लेंगे और ऊपर मार्जिन सीधा करने के लिए मार्कर लगाएंगे इस तरह से। और अब 3.5 इंची हम इसके आर्म होल को गिराएंगे गोलाई के लिए 3.5 इंची ताकि हमारी बाजू की फिटिंग एकदम सही आए। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ऊपर जो निशान है उससे
बाजू की लंबाई में 1 इंच कम काटेंगे, यानी 23.5 बाजू है तो हम इसको 1 इंच ऊपर निकालने के बाद तब 23.5 इंच काटेंगे, ताकि हमारे 2.5 इंची के कप लगेंगे और मार्जिन 1.5 इंची उसमें एडजस्ट हो जाएगा। 1 इंची लंबाई में कम काटेंगे। अब हमें नीचे की तरफ 6 इंची रखेंगे और इस मार्जिन मार्का को ऊपर वाली मार्का से राउंड वाली फंटी से इस तरह से मिलाएंगे। और नीचे का मार्जिन भी सीधा कर लेंगे मार्क। अब इस गोलाई को ऊपर से 1.5 इंची छोड़ने के बाद मार्कर लगाएंगे गोलाई में इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अब इसकी कटिंग होकर रेडी हो गई। अब हमें फ्रंट में 0.5 इंची और गड्ढा देंगे फ्रंट के साइड में, 0.5 इंची 0.25 इंची और गड्ढा देंगे इस तरह से। फ्रंट के दो कपड़ों में 4 ले हो गई इसमें, तो इसमें से 2 में देंगे फ्रंट की साइड में इस तरह से। और दोस्तों इसकी चाक पट्टी के लिए हमें मार्का लेने हैं, तो एक तो मार्का बीच में ही नाखून लगा के मार्का ले लेंगे। अब इसके बाद इसको पलटेंगे, पलटने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और मार्जिन के बराबर इसको एक्स्ट्रा निकाल लेंगे बैक की तरफ वाले कपड़े में। अब इसको भी मार्जिन मार्का लगा लेंगे नाखून से। अब हमें 5.5 इंची की चाक पट्टी काटनी है। तो अब इसे कपड़े को सीधा करने के बाद इस तरह से, अब इसने जो हमने नाखून से निशान लगाया उससे 5.5 इंची चाक पट्टी काट देंगे। दोस्तों बाजू भी हमारी कटिंग हो गई। अब हमें तीरा की कटिंग करनी है। तो तीरा के लिए हमें डबल तीरा काटना है। तो दोस्तों दोनों तीरा को हम एक ही बार में कटिंग कर लेंगे। तो हमारा 0.5 इंची तीरा की चौड़ाई लेनी है हमें इस तरह से, और इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है ताकि दोनों तीरा एक बार में ही कट जाएं हमारे। और अब कपड़े को 6 इंची चौड़ाई में रखना है हमें। इस तरह से 6 इंची पर 6 इंची चौड़ा कपड़ा रख लिया। अब इसको हमें 5.5 इंची, पहले तो हम तीरा का 0.9 इंची पर निशान लगा लेंगे। अब हमें 5.5 इंची जो कॉलर का फार्मूला आएगा उस साइड में लगाने, और 3.5 इंची कंधे की तरफ लगाने, और 2.5 इंची हमें कॉलर का आर्मोर काटना है, और 1.5-2 इंची हमें इसका गड्ढा लगाना है ताकि हमें हमारी शर्ट आगे से ना उठे और इसको अच्छे से चौकर करके गोलाई निकाल लेंगे और कंधी और तीरा का मार्का भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इसकी गोलाई निकाल लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और स्लिम फिट पैंट की कटिंग भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
वहाँ से जाके कटिंग देख सकते हैं। और दोस्तों कुर्ता कटिंग वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दे दिया, आप कुर्ता की कटिंग बड़ी आसानी से वहाँ से सीख सकते हो। तो दोस्तों ये डबल तीरा हमारा रेडी हो गया तर कटने के बाद। अब तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप अपना प्यार हम पर ऐसे ही बरसाए रहें और हमारी पैंट की वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने जो लेटेस्ट कटिंग में पैंट की कटिंग अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों थैंक यू।